नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुसूचित वर्ग के लिए हमने काम किया है। इस पर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए कार्य किया लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया, नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते। देश में जब कांग्रेस के ही विधायक के घर पर हमला कर्नाटक में होता है, जब कांग्रेस भीम आर्मी बसपा सपा कोई भी दल उस घटना की निंदा नहीं करता है। बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान के लेखक थे, यह सब मानते हैं, लेकिन धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था, ये अलगाव पैदा कर सकता है। लेकिन नेहरू जी ने नहीं मानी और 370 लगाई। आज बाबा साहब अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोई पूरा नहीं करता, अगर कोई करता है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े, चाहे वह जन्मस्थान हो मऊ इंदौर में, चाहे दिल्ली में निर्माण स्थल हो जहां कांग्रेस उनकी अंत्येष्टि नहीं होना देना चाहती, चित्रभूमि मुंबई हो, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, चाहे संकल्प भूमि बड़ौदा हो, इन पाँचों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनते हैं। लंदन में जहां अंबेडकर जी बने पढ़े, वहां पर शिक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। किया लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया, नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते देश में, नंबर वन। नंबर टू, जब कांग्रेस के विधायक के घर पे हमला कर्नाटक में होता है तो कांग्रेस भीम आर्मी बसपा सपा कोई भी दल उस घटना की निंदा नहीं करता है। नंबर थ्री, बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान के लेखक थे, ये सब मानते हैं, है भी, लेकिन धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था कि ये अलगाव पैदा कर सकती है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना था, 370 लगाई। आज बाबा साहब अंबेडकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो जन्मस्थान हो मऊ इंदौर में, चाहे दिल्ली में परिनिर्माण स्थल हो जहां कांग्रेस ने उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी, चाहे चैत्य भूमि बम्बई हो और चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो और चाहे संकल्प भूमि बड़ौदा हो, इन पांचों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ही बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनाते हैं। लंदन में जहाँ अम्बेडकर जी पढ़े, वहाँ पर शिक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। 72 साल में कांग्रेस 57 साल सरकार में रही, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किए। आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर गैस सिलेंडर देने का काम किया है, शौचालय बनाने का काम किया है, आयुष्मान योजना बनाई है, प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, ये झोंपड़ी कांग्रेस को कभी नहीं दिखी। इसमें से 60-70% अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों को लाभ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की योजनाओं से मिल रहा है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक माना, कांग्रेस ने दलितों को हिंदुस्तान का और संवैधानिक व्यवस्थाओं में चलने वाला समाज नहीं माना। अगर उनके मन में पीड़ा और दर्द होता तो योजना 70 साल पहले बन गई होती जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। इसलिए कांग्रेस के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, अगर दलितों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान इस देश में नहीं हुआ है, इसके लिए एकमात्र कोई पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कमलनाथ ने 1.5 साल के अंदर एक भी दलितों के पक्ष में योजना नहीं बना पाई। और एक काम और करिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।